राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा रोज कैसे करें। कार्तिक के महीने में विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अलग से चौकी लगा के पूजा की है। आप अपने मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान की फोटो है तो बहुत ही अच्छा है, फिर आप उनकी ही पूजा करें, क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है विष्णु जी के साथ पूजा करने पर। तो देखिए, मैंने चौकी पे लाल और पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है और भगवान लक्ष्मी नारायण जी की फोटो को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण स्नान करा लेंगे। अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है तो फिर आप उनका अभिषेक करके पूजा करें। इसके बाद हम दीपक जला लेंगे। अब हम विष्णु भगवान को चंदन से तिलक करेंगे और माता लक्ष्मी को हम रोरी से तिलक करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। अगर आपको लाल या पीले फूल मिले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आपको जो भी फूल मिले आप वो अर्पित करें। इसके बाद देखिए, हम तुलसी अर्पित करेंगे भगवान जी को। मंजीर सहित तुलसी से या तुलसी पत्र से आप रोज कार्तिक मास में भगवान जी की पूजा करें। आपको कार्तिक मास में किए गए सभी शुभ कर्मों का फल प्राप्त होगा, क्योंकि तुलसी दल से पूजा करने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इसके बाद हम भोग प्रसाद अर्पित कर देंगे, धूप दिखाएंगे, जल समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को कार्तिक मास में रोज तिल जरूर अर्पित करें। आप कोई भी वहाँ पे पात्र रख ले और रोज उसी में तिल अर्पित करें। इसके बाद जब कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा तो आप उन तिलों का दान भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो आप रोज सरल विधि से कार्तिक मास में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा जरूर करें। तुलसी दल से नियम से उनकी पूजा करें, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक महात्म पढ़े या सुने विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। तो आप कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान की पूजा रोज नियम से जरूर करें। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।